अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज हम काफ़ी दिनों से थोड़ा सा रॉड ना होने की वजह से फिशिंग पे नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो पिछली वाली जो मेरी रॉड थी पेन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो टूट गई थी। उसके बाद हमने रिपेयर भी किया, लेकिन क्या होता है कभी कभी साथ में एक दो लोग जाओ तो क्या फिशिंग करने को आप रॉड देंगे या किसी और को भी सीखने का। तो उसमें क्या हुआ कि एक नए बंदे की वजह से रॉड फिर से टूटा। उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया है, घर पे पड़ा है, इस वजह से नहीं जा रहे थे, रॉड नहीं थी। तो हमने फाइनली रॉड और कुछ लूर्स मंगाए हैं, उसके बाद अब इंशाल्लाह स्टार्ट होगा फिशिंग। तो हम आपको दिखा दें, काफ़ी सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस बॉक्स को दिखा दें। काफी भाई ने भेजा है, तो इसको हम काट लेते हैं एक बार। और आपको दिखाएंगे, पहले हम आपको लूर दिखा दें। कुछ ये लूर बॉक्स होगा, क्योंकि लूर रखने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, कैरी करने के लिए इधर हैंडल दिया गया है। लूर रखने के लिए काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने सोचा कि लूर मंगाना थोड़ा सा जरूरी हो गया है, वो लूर बॉक्स मंगाना मेरे लिए थोड़ा सा जरूरी हो गया है, क्योंकि काफ़ी लूर हो जाते हैं और रखने में काफ़ी दिक्कत होती है उन्हें संभालने में, और क्या है ख़राब भी हो जाते हैं। उनका जो रबड़ होता है, एक साथ रहेंगे तो आपस में टकराएंगे, फिर वो रबड़ ख़राब हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो हमने लूर बॉक्स मंगाया है, इसमें कितने कंपार्टमेंट हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सात कंपार्टमेंट इधर होंगे, और इधर वाला साथ में ही खोल के दिखा दें आपको। जी दो तरफ से खुलता है, 7 इधर रखेंगे तो 7 आप इधर रख सकते हैं, यानी कि 14 लूर्स इसमें आप इजीली आ जाएंगे। ये तो ये हो जाएगा लूर बॉक्स, इसको हम यहाँ रख देते हैं, और ये होगा लुकाना का झींगा। काफी बेहतरीन पैकिंग यार जी। ये होगा झींगा लुगाना का, उसकी क्वालिटी देखने में काफी बेहतर लग रही है, और ये लुगाना का यहाँ पे इन्होंने ब्रांड का वो डाला हुआ है, और काफी अच्छा है ये देखने में भी, काफी अच्छा लग दिखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इस बार प्रोग्राम था थोड़ा सा और बड़ी नदी में जाने का, बट अभी प्रोग्राम इंशाल्लाह अभी इस महीने में नहीं, अगले महीने में इंशाल्लाह जाएंगे। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, जितने भी यूपी से या इस साइड के जितने भी हैं, दिल्ली यूपी और फ्रॉग खेलते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस लूर को ज़रूर देखें, फ्रॉग को, क्योंकि आप बड़ा साइज का फ्रॉग ले लेते हैं तो उसमें आपको कास्ट करने में दिक्कत होगी, उसमें आपको दिक्कत होगी, और क्या होगा बाइट जब करेगी फिश तो उसमें मुंह में नहीं आएगा ये फ्रॉग। आपको साइज बता दें इस फ्रॉग का, इसकी फोटो हम डिस्प्ले पे दे देंगे। ये लुकाना का है चीटी फ्रॉग, साइज 50 mm 14 ग्राम का है, 12 ग्राम का है, इसकी फोटो डिस्प्ले पे देंगे, दे देंगे आप देख लेंगे। ज़्यादातर हम फ्रॉग यूज करते हैं, आपने जितने भी मेरी वीडियो देखी होगी सारे फ्रॉग में ज़्यादा से 50 mm 55 mm के ही फ्रॉग होंगे। ये थोड़ा सा छोटा फ्रॉग है, कपड़ा वगैरह बेहतरीन बाइट करेगा इंशाल्लाह इस पर, और हुकअप भी होगा। और हम आपको दिखा दें, हमने कार्प के लिए, हमने जानने वाले हैं उनके लिए हुक्स मंगाए हैं, ये 3 नंबर के हैं, कोई खास बड़े नहीं है लेकिन ठीक सा साइज है,
हमने दो नंबर का पिछली वीडियो तीन ये है तीन नंबर का और हमने चार नंबर का आपको पिछली बार दिखाया था वो हुक था ये तो क्या था वो थोड़ा सा छोटा है लेकिन वो भी ठीक है। अब इस साइज का हमने हुक मंगाया है आज के लिए ट्राई करेंगे और तो कुछ है नहीं तो आपको ये दिखा दें क्योंकि कार्प ये बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है हमें अभी तक रॉड या लाइन से नहीं पकड़ा है। ये होगा ऑयल कार्प के लिए बेस खासकर इसे हमने मंगाया है कि ट्राई करेंगे देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा है। तो ये सारी चीजें थी और एक इस वो होगा छोटा सामान था जो बेलान के पास लगता है उसको हमने बताया पिछली वीडियो में भी तो छोटे छोटे सामान हैं उसको आप ध्यान से रखिए और ज़रूरत की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी हमने मंगाया है और उसके बाद रॉड को ओपन करते हैं आपको रॉड के दिखा दें। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए यहाँ पे जो उन्होंने नाम डाला हुआ है शिमानो क्रूजर क्रूजर का है क्योंकि हमने इसको अनबॉक्स किया था उस दिन आया था तो इसका बॉक्स टूटा था थोड़ा सा ऊपर का जो पीवीसी पाइप में आया था वो पाइप हल्का सा डैमेज था तो हमने रॉड को ओपन किया देखा था कि कोई टूटा उटा तो नहीं है बट अभी टूटा नहीं है सही है रॉड ये दिखने में तो नहीं लग रहा है। ये होगा शिमानो क्रूजर ये इसकी भी फोटो एक बार आपको दे देंगे शिमानो क्रूजर जितने भी हमने लूस वगैरह दिखाए हैं उनकी सारी फोटो आपको दे देंगे। ये होगा शिमानो क्रूजर का शिमानो का ये बड़ा सा रानी तो ये शिमानो का होगा यही सारी चीज़ें थी लेकिन इसमें क्या है कभी भी मत जाइए इस पर क्योंकि ये शिमानो का है बहुत लाइट वेट है अच्छी मतलब अच्छा है वेट में भी कास्टिंग करने में दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह लेकिन हमने इसलिए इसको मंगाया है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा चलेगा नहीं तो फिर एक दूसरी रॉड लेने वाले हैं इंशाल्लाह उसमें काफ़ी सारी बेनिफिट है लेने से तो उसको लेंगे और आपको दिखाएंगे उसमें क्या बेनिफिट है फिर बात होगी। ये हमने अभी दो तीन महीने चार महीने खेलने के लिए ट्राई के लिए मंगाया है इसे इनसे करेंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ें थी ये शिमानो का नहीं एक बार और बता दें ये चाइना का है लेकिन बट शिमानो लिखा हुआ है इस पर लेकिन शिमानो नहीं है ओरिजिनल ये लोकल है इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है मेरे हिसाब से जितना भी सामान हमने मंगाया है मेरे हिसाब से कोई वेस्ट नहीं है लूट तो आपको रखने हैं और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है लगभग समथिंग और उसकी हिफाजत भी आपको ही करनी है तो इस वजह से ज़रूरत की सारी चीज़ें आपके पास रखनी चाहिए तो बेहतर है तभी मज़ा आएगा। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। शुक्रिया दोस्तों।